हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेजर। लेजर एक्चुअली इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इट्स फॉर्मेट, डिफरेंट टर्म्स टू बी यूज व्हाइल प्रिपेयरिंग द लेजर। लेजर एक्चुअली इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डिफरेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट विथ ए मोटो टू नो बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट ऑन ए स्पेसिफिक डेट। होता क्या है कि हम लोग कैश पूरे मंथ यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर डेट में हमारे पास कितना कैश होना चाहिए, या राम को हमने उधार बेचा है उससे हमको कितना पैसा एक पर्टिकुलर डेट को लेना है। सो वी आर सपोज टू नो दिस इन वेरी लेस टाइम, इन द वन मिनट यू कैन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश अवेलेबल विथ यू, बैलेंस विच यू हैव टू टेक फ्रॉम राम, बैलेंस विच यू आर सपोज टू गिव टू मोहन और सोहन। सो दैट प्रोसेस, दैट टेक्निक इज ओनली नोन एज लेजर। क्योंकि होता क्या है कि अचानक से सारे जर्नल को आप एड कीजिएगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई अ लेजर प्रोसेस वॉज इन्वेंटेड। अब उसमें क्या एक टर्म है, न्यू टर्म इज दैट, वॉट इज दिस पोस्टिंग। पोस्टिंग इज वॉट, वेन आइटम्स आर टेकन फ्रॉम जर्नल एंड रिकॉर्डेड इन द लेजर, then it is technically known as posting. So when items are taken from journal and recorded in ledger, it is called posting. Then how to post? Certain rules should be there. So there is a rule. Rule of posting number one is what? If the item whose ledger we are preparing is in debit side of journal. जैसे मान लो example के लिए आप अगर कोई भी transaction होता है cash account debit to capital account, आप लेजर बना रहे हैं कैश का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश किस तरफ है, डेबिट में है, तो पोस्टिंग डेबिट में होगी, लेजर में वो पोस्टिंग डेबिट में होगी। और इफ आइटम इज इन क्रेडिट साइड देन पोस्टिंग विल बी इन क्रेडिट साइड। मतलब कि अगर वो आइटम क्रेडिट साइड में है, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। परचेज टू कैश, तो टू कैश क्रेडिट साइड में है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। अच्छा, हमेशा याद रखना है कि पोस्टिंग क्या होगी, जो आइटम उल्टी तरफ में है। जैसे कि डेबिट साइड में अगर आइटम है तो जो क्रेडिट साइड में है उस आइटम को लिखा जाएगा, अगर क्रेडिट साइड में आइटम है तो डेबिट साइड में जो आइटम है उसको लिखा जाएगा। और उसके अलावा हम लोग को ये देखना है, इन लेजर में हम लोग डेबिट साइड वी यूज द टर्म टू, स्टार्टिंग में सबसे पहले टू लिखते हैं, डेबिट साइड में हम लोग यूज करते हैं वर्ड टू को, और क्रेडिट साइड में हम लोग यूज करते हैं टर्म बाय को, ठीक। और ये फॉर्मेट ऑफ लेजर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेट ऑफ लेजर, जैसे कि हम लोग कैश का लेजर बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसको दो इक्वल पार्ट में पेज को डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट, और राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट का एक डेट होगा, उसका एक पर्टिकुलर होगा, और जेएफ जर्नल फोलियो, पेज नंबर ऑफ जर्नल, जिस जर्नल से ये पोस्टिंग यहां पर आ रही है, फिर डेबिट की अमाउंट जो होगी वो लिखी जाएगी। क्रेडिट साइड में भी फिर एक डेट होगा, एक पर्टिकुलर होगा, और उसका एक जेएफ जर्नल फोलियो, जितना नंबर जर्नल से वो यहां पर आ रही है वो अमाउंट फिर यहां पर लिखी जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि लास्ट में हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो फॉर ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले अगर ओपनिंग बैलेंस पहले से कैश है, या राम का बैलेंस है, या फर्नीचर का बैलेंस है, कोई भी आइटम का बैलेंस है, तो आइटम को हमको पहचानना है इफ इट इज एसेट। इफ आइटम इज व्हाट, एसेट, अगर ये हम लोगों की एसेट्स है तो एसेट्स को हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी करके। तो राइट इन डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, सबसे पहला आइटम आप यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, अगर वो एसेट्स है तब। एंड इफ इट इज लाइबिलिटी तो राइट इन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी, तब उसको क्रेडिट साइड में आप लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि हमारी वो लाइबिलिटी है, वो पैसा हमने उसको देना है। बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन, हम लोग ने अपने कैलकुलेशन के बाद उस अमाउंट को वहां पर लिखा है, कैरेट डाउन मतलब अपने से हमने उतार के वहां पर लिखा है। और बैलेंस बीडी में क्या होता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन,
और जो सीडी का अमाउंट होता है वो हमेशा ऑन लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता है, और बीडी का जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ को टोटल के नीचे उसको लिखा जाता है, और इसके बाद उसका बैलेंसिंग होता है। फिर हम लोग इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल के लिए सम देंगे। इसको जरा मोर क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा यहां पर एक एंट्री लिख करके दिखाते हैं, तब तक इसको हम जरा सा मिटा रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मान लो ये 1 लाख रुपया है, सपोज इट इज 1 लाख रुपीज, तो यहां पर हमने लिखा इफ आइटम उस लेजर वी आर प्रिपेयरिंग इन डेबिट साइड ऑफ जर्नल। तो देखो कैश का लेजर हम बना रहे हैं और कैश यहां किधर है, डेबिट में, तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो उसके उल्टे में, उल्टे में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट है, तो ये टू कैपिटल अकाउंट हम लोग यहां पर लिखेंगे। और अमाउंट हमेशा देखेंगे जिसका लेजर बनाते हैं उसके सामने वाला अमाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट में टू कैपिटल यहां पर डेट देके लिखेंगे टू कैपिटल, और उसकी अमाउंट को, कैश के सामने वाली अमाउंट को यहां पर लिखेंगे। और अगर ये ट्रांजेक्शन इस तरह नहीं होकर के इस तरह है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विच आई हैड स्टेटेड राइट नाउ, अगर एंट्री है क्या परचेज अकाउंट डेबिट ₹40,000, तो यहां पर देखिए आइटम हुज लेजर यू आर प्रिपेयरिंग, हमने कैश का लेजर बनाना है, कैश इज इन विच साइड, क्रेडिट साइड, सो दिस विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड एज व्हाट, इसके आगे एक वर्ड लगेगा बाई, बाई परचेस, बाई परचेस, क्योंकि यहां पर रूल है, रूल में क्या बोल रहा है, इफ आइटम इन क्रेडिट साइड देन पोस्टिंग विल बी इन क्रेडिट साइड। और लेजर में जब भी लिखना है तो डेबिट साइड में हम लोग टू वर्ड को यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में बाई वर्ड को यूज करते हैं। इसके बाद एक वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखेंगे कि जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाता है। थैंक यू, इफ यू लाइक प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक, थैंक यू।